Good morning, everyone. I woke up around 10:30 a.m. in the morning. I usually wake up early, but since it's a holiday, I slept for too long. Yeah, too long because last night I watched some movies and then many more things. That's why I woke up lately. Anyways, welcome back to the channel and also welcome to the new episode of me living my life as a bachi. Let's go. सुबह से अभी तक नाश्ता नहीं किया है, इसीलिए कॉन्फ्रेंस तो मैं अभी बनाने वाला हूँ, क्योंकि आई डोंट हैव मच टाइम कि जाके एक प्रॉपर सा ब्रेकफास्ट बना के खाऊँ, इसीलिए कॉन्फ्रेंस बना रहा हूँ, क्योंकि इसको बनाने में समय भी नहीं लगता है और बहुत ज़्यादा काम भी है आज. तो पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद आई टेल यू हमको क्या क्या काम करना है आज. अभी टेस्टी लग रहा है देखने में भी. लेट्स गो. फर्स्ट में सेकंड कैमरा काफी रखेगा फ्राई के लिए. चलो लेट्स गो. अच्छा, चीनी थोड़ा कम हो गया, लेकिन कभी किचन जाने का मन नहीं है तो सब्स्टिट्यूट है मेरे पास चीनी का. ये ऑलरेडी इसमें सब कुछ एडिड होता है, शुगर, कॉफ़ी एंड देन व्हाटएवर. अभी ज़्यादा अच्छा है. तो हम लोगों का क्लास मंडे टू फ्राइडे होता है और कभी कभी सैटरडे में भी हो जाता है हाफ क्लास, या फिर अगर कुछ प्रेजेंटेशन होना होता है तो सैटरडे पे कंडक्ट किया जाता है. तो बेसिकली मेरा पूरा वीक ही कॉलेज जाना आना में ख़त्म हो जाता है और घर में जो कपड़े धोने होते हैं उनको भी नहीं धो पाते हैं. तो सिर्फ संडे ही मेरे लिए फ्री होता है, क्योंकि संडे को घर पर रहते हैं, लेकिन फ्री इन ए सेंस क्लास जाना नहीं पड़ता है. बहुत ज़्यादा काम रहता है घर में, जैसे कि पूरा हफ्ता हम लोग क्लास जाते हैं तो कपड़े बहुत सारे होते हैं धोने के लिए, उसके बाद घर साफ करना पड़ता है एंड मेनी मोर थिंग्स. आप लोगों को पता होगा जो जो लोग रेंट पे रहते हैं एंड देन स्टडीज को भी साथ कंटिन्यू करते हैं तो बहुत ज़्यादा काम होता है. इट्स रियली टफ, बहुत टफ है, पर मज़ा भी आता है. दिस इज़ लाइफ और इसी तरह आगे बढ़ रहा है. लेट्स गो. आई एम ऑलमोस्ट डन और ये है कपड़े. बहुत ज़्यादा है, सबको धोना है आज, बराबर धोना है. चलिए गुड आफ्टरनून एवरी वन. अनादर डे सेम व्लॉग. तो कल का व्लॉग आज कंटिन्यू कर रहे हैं. अभी क्लास गया था तो क्लासेस ख़त्म हो गया, अभी घर पर भी पहुंच गया. नवंबर महीना चल रहा है पर अभी भी यहाँ गुवाहाटी आसाम के बहुत ज़्यादा
धूप है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। As you can see, so hey guys, अभी चेंज कर लिया है, मेरे पास थोड़ा समय है, तो सोच रहा है स्पाइसी नूडल्स बना के खाते हैं, क्योंकि बहुत दिन से कुछ शूट नहीं किए वीडियो, तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। और आज का व्यू नज़ारा बहुत ज़रा मतलब सुंदर है, तो मैं आप पे वीडियो शूट कर रहा था, लोकेशन एकदम मस्त है। तो ये बन के तैयार हो चुका है स्पाइसी नूडल्स, यहाँ पे है एक्स्ट्रा स्पाइस और चटनी और व्हाटएवर, तो नॉट मच इंग्रेडिएंट्स बट इट्स इनफ फॉर मी, और ज़्यादा खाते भी नहीं हम, तो बस एक कंटेंट के लिए। चलो लेट्स ईट इट, लेट मी फर्स्ट फिक्स माय कैमरा, लेट्स गो। रियली एक्साइटेड, द स्मेल इज टू स्ट्रॉन्ग, अभी देखते अभी तक इसमें बहुत कम स्पाइस है, क्योंकि हम ऐसे नहीं कि स्पाइस नहीं खाता है, जाल खाता है, पर आई डोंट लाइक स्पाइसी नूडल्स मच। It's actually spicy. पानी लाने भूल गया। अच्छा टेस्टी है, बहुत बार देखा है मैंने, मतलब यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं उन लोग का, ये नूडल्स का बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाता है, तो हमको भी लगा एक बार बना लेना चाहिए, पता नहीं अभी कैसे आ रहा होगा वीडियो। आई थिंक या दिस इज मच बेटर, ये बढ़िया। क्यूकम्बर्स आर वन ऑफ माई फेवरेट सिंस माई चाइल्डहुड, बहुत ज़्यादा टेस्ट लगता है। ये थाम जाएगा।
चाल है, आई स्टार्टेड फीलिंग स्पाइसी। I'll just eat some more spices. Sorry. खत्म होने वाला है तो खत्म कर देता है। स्पाइसी है, चाल भी है, टेस्ट भी एक नंबर, टेस्ट में नो कॉम्प्रोमाइज। Almost done. I like this very much. It was a good experience. ये मेरा first try था spicy noodles. Next time जब दोबारा वीडियो बनाएगा इसका ऊपर एक प्रॉपर सा बनाएगा अच्छा सा, लाइक देयर विल बी लॉट्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स, लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड देन या अच्छा वाला बनाएगा वीडियो। इस बार तो मैंने बस ट्राई किया है, इतना स्पाइसी वाला नहीं था, नेक्स्ट टाइम होगा बहुत स्पाइसी वाला लाएगा। ये भी स्पाइसी है लेकिन अभी तक पहुंचा है, नहीं सकेगा भी। Seriously, I'm sweating, man. Okay, so that was it for this video. Next time जब फिर से vlog करेगा इसके ऊपर, it will be a proper vlog, proper spicy vlog. तो आज के video के लिए बस इतना ही। So lastly, stay safe and sound. This is me, Alin, signing off. I'll see you guys in my next video. Till then, keep supporting me. Bye-bye.